मैं आपको एक अपना होम का छोटा सा टूर दे रहा हूँ। एक ड्रीम हाउस होता है जिसको हम लोगों ने तैयार किया है। आप लोग भी कभी सपनों का घर बनाएं तो आपको आइडिया लग जाए। चलिए शुरू करते हैं, शायद आपको आइडिया लगे। ये एक छोटा सा रूम है जिसका 12 बाई 10 है और ये टीवी यूनिट है, हॉल पे लगी हुई है। और इस हॉल की जो लंबाई 12 बाई 18 की, 12 बाई 18 का ये हॉल है। और छोटा सा हॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। सिस्टमेटिक से उसको हम लोगों ने बनवाया है, इसको अभी रेनोवेट कराया गया है। और इसके जस्ट लगा हुआ है जो कमरा है मात्र 12 बाई 14 का, छोटा सा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। सिस्टमेटिक से हम लोगों ने इसको सेट किया है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। आप हो सकता है आइडिया लग जाए, आप जब घर बनवाओ तो शायद कुछ आइडिया आपको लगे कि ऐसा करवाना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब जस्ट हम आपको ले कर चलते हैं यहाँ अपने स्वास्थ्य की ओर, किचन की ओर, जिसकी लंबाई है 12 बाई 16 की। और छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक इसको अपने डिज़ाइन किया गया है। शायद आपको आइडिया लगे कि ऐसे भी किचन होते हैं। छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर हाँ अच्छा बना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको देखने में, और किस टाइप से आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इसका फुल वीडियो भी आपको दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, जब आप लोग चाहोगे तब दूंगा। और ये जस्ट ऊपर आते हैं, स्टेयर है, और जस्ट स्टेयर से अपन ऊपर चढ़ेंगे तो हमने एक छोटा सा एरिया को पॉच एरिया छोड़ के रखा है, जहाँ पे अपन कुछ कार्यक्रम वगैरह कराते हैं ना, तो यहाँ करा सके। जो आप ये देख रहे हैं इसकी लंबाई है 12 बाई 16 की, सेम उसी टाइप से जैसे किचन था उसी टाइप का हम लोग ने जगह छोड़ा। और ये जो स्टेयर आप देख रहे हैं, ये स्टेयर हम लोग ने इसी हॉल पहुँचने में लगाई हुई है, और काफ़ी सुंदर ये स्टेयर बन रही थी, हमको बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए हमने इसको बनवाया। ये डिज़ाइन मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन को फाइनल किया है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये छोटा सा एरिया ही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ बनाया हम लोग सिस्टमेटिक है। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। हम लोग ने तो बड़ी हिस्ट्री को दिया है कि एयर वगैरह अच्छे से आ सके, ताकि घर में थोड़ा वेंटिलेशन होना चाहिए ना भैया, तब तो मज़ा तो आता है। और जस्ट इससे लगा हुआ है जो कि है 10 बाई 14 का, हमने एक छोटा सा स्टोर रूम बना दिया है, ताकि एक स्टोर रूम भी तो घर में होना चाहिए, तो तब ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत होती है छोटा सा स्टोर रूम बनाने की। आप लोग भी बनवाना ज़रूर, एक कहीं से भी निकलवाना ज़रूर। और जस्ट इससे लगी हुई गैलरी है, और इस गैलरी से ही जस्ट लगा हुआ एक छोटा सा हम लोगों ने कमरा डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा ही फेज में हम लोग ने उसको बनाया है। आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। देखिए हम लोग ने छोटा जो कमरा है ये 14 बाई 18 का कमरा है, और इसको हम लोगों ने बड़े मेहनत से बनाया है। और ये कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी ही सुंदर सा इसके साथ ही अटैच लगी हुई बालकनी भी है, वो भी आप देखेंगे। और ये कैमरा आपको कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताना कमेंट करके। और जस्ट इससे लगी हुई मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी बालकनी, ताकि अपन कपड़े वगैरह सुखाने के लिए और अच्छा नेचर रहे, इसलिए देखिए हम लोगों ने एक बालकनी बनाई है। एक बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, ये छोटी सी हम लोगों ने बनाई है, इतनी जगह तुत्ता हम लोगों ने निकाला है। उसके बाद ये देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, सबके पास होनी चाहिए, हम लोग चाहते हैं वेंटिलेशन अच्छा रहता है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, हमको एक बार पता चल जाएगा। और इसके जस्ट लगा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया हम लोगों ने डिज़ाइन किया, जिसका साइज है मात्र 4 बाई 6, 4 बाई 6 का है ये ड्रेसिंग एरिया, लेकिन हाँ सफिशियंट है, सारा चीज़ हो जाएगा इसमें। अभी वॉलड्रॉप वगैरह बनेगी तो अच्छा लगेगा, अभी वॉलड्रॉप वगैरह नहीं बनी है, और इसलिए इसी से लगा हुआ अटैच हमारा इंडियन लैट बाथ है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से निकाला है। इस लैट बाथ की लंबाई है 13 बाई 5 की, 13 बाई 5 का है ये हमारा लैट बाथ, लेकिन काफ़ी स्पेशल। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हम लोगों ने ब्लैक थीम दिया हुआ है, ब्लैक थीम का हमको अच्छा लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्लैक थीम करवा लिया था, इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा सा आजकल का वुड भी टेक्सचर चाहिए था, तो स्टोन टाइप में, और ये हमको बहुत अच्छी लगी थी सिंग, इसलिए हम लोग ये वही लगवाई थी। और ये जैकवार की पूरी फिटिंग हम लोगों ने करवाई थी, और काफ़ी अच्छी फिटिंग थी, जैकवार है हमारा घर के, ऑल टोटल फिटिंग जैकवार है। और इसकी फुल वीडियो आपको मैं कभी लाऊंगा, जब इस वीडियो में मेरे 1000 कमेंट्स आ जाएंगे
और 50 लाइक्स आ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा A to Z। आप चाहोगे कमेंट करके बताना कि इस घर की मेरे को पूरी डिटेल वीडियो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो आप बताओगे तभी मैं आपको इस घर की पूरी वीडियो लाऊंगा। और ये अभी आप बाथरूम देख रहे हो, ये काफ़ी ही ब्यूटीफुल है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि छोटे से भी बाथरूम को भी डिजाइन किया। और जो ये आप नल देख रहे हो ना, इसमें बोरिंग का पानी आता है, और सबसे अच्छा ये है कि गर्मियों में आपको ठंडा पानी मिलना है इसमें से। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर आप घर बनवा रहे हो, अगर आप टाइल्स लगवा रहे हो, तो आप ग्राउट ज़रूर करवाना। अगर आप ये ग्राउट करवाते हो तो आपका फ़ायदा है, जैसे कभी आपकी टाइल टूटती है तो आप इसको चेंज करा सकते हो, बिना बहुत कम पैसों में चेंज रहेगी। और अगर फिर इसको नहीं करवाओगे तो फिर आपको घाटा ही होगा और बदबू भी आती है। ये अच्छा रहता है, आप करवा सकते हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन अच्छा है, आप करवा के देखना, जरूर आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तविकता में मैंने क्या बोला था आपको। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ एक अपने एक छोटा सा और जगह पे, जो कि मात्र पूरा ओल्ड है लेकिन अब इसको रिनोवेट किया गया है। इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने जितना बताया है वो आ गया, तो बहुत जल्द इसका फुल डिटेल वीडियो आपके सामने आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी स्ट्रीम हाउस को मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप ही दिखाया है, जब से आप मेरी किट्टू से मिल लीजिए, 500 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर देंगे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं आपको इस घर का पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा। जब मेरा ये क्राइटेरिया आपने पूरा कर देंगे तो आपको ये घर का पूरा डिटेल्ड वीडियो भी आएगा, और आपको अच्छा हेल्पफुल भी होगी, और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।